हेलो एवरीवन, दिस इज शांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS है, NVS है और हाल ही में EMRS की वैकेंसी निकली है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स आती है, तो उसके लिए भी आपके लिए वीडियोज़ हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो जब हम इंडिविजुअल यूनिट का जब इकोनॉमी के अंदर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। जैसे इंडिविजुअल इनकम हो गया, इंडिविजुअल आउटपुट हो गया, या कॉमोडिटी का प्राइस हो गया, ठीक है, सिंगल कॉमोडिटी का प्राइस, तो वो क्या किसके अंडर में आते हैं, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक सिद्धांत का हिस्सा है जो किसी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करता है कि भाई एक कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ने से इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर होगा, कि भाई वो डिमांड कम करेगा, ज़्यादा करेगा, ठीक है, क्या बिल्कुल जो है कॉन्स्टेंट रहेगी डिमांड, और उसके जो मेन टूल्स हैं वो क्या है, डिमांड और सप्लाई हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि क्या डिटरमाइन करना, कॉमोडिटी का प्राइस, या फिर हम बोले फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन के में जो फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनका जो क्या है प्राइस है, ठीक है, उनको यहाँ पे जैसे भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, लेबर हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होती हैं, तो वो सारे उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। फिर आते हैं इसमें कि ये जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं उनको कॉन्स्टेंट मान के चलता है, जैसे नेशनल इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है, इनको स्थिर माना जाता है, और इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्राइस थ्योरी, या इस तरीके से आ सकता है कि प्राइस थ्योरी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। फिर आते हैं इसका लास्ट पॉइंट जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आई है वो किसके ऊपर स्टैंड करता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टैंड करता है। अब आते हैं मैक्रो पे। माइक्रो हमने पढ़ ली, जहाँ इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है, स्टडी किया जाता है बिहेवियर को, और यहाँ पे पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लिखा जाता है, इकोनॉमी को पूरा एक माना जाता है। तो इसके एग्जांपल नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट, पूरे देश में कितना एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड हो रही है पूरे देश में, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, पूरे देश में, ठीक है। नेशनल इनकम आती है तो राष्ट्र की आय, सारे लोगों की मिला के, जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं उन सब की मिला के, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई, राष्ट्र को आय कितनी हो रही है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, जो नेशनल इनकम है। फिर इसके जो मेन टूल्स हैं वहाँ आते हैं डिमांड और सप्लाई, यहाँ आते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, क्या निर्धारित करना होता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमी के अंदर। और ये अज्यूम करके चलता है कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं, जैसे डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड और फार्म, प्राइस है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यहाँ पूरी इकोनॉमी को एक मान के चल रहे हैं हम। और इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये मेन पॉइंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सारे आप लोग नोट डाउन कर लेना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो ए है वो किस पे स्टैंड करता है, एग्रीगेट पे जो है स्टैंड करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रो और मैक्रो है वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप लोग, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।